सरहद पर चीन ने भारत को कैसा सीधा संदेश दिया है, अब जल्दी से लाउड एंड क्लियर मैसेज के साथ ये बड़ी ब्रेकिंग देखिए। 40,000 करोड़ की लागत से बनेगा फ्रंटियर हाईवे, अरुणाचल के लिए गेम चेंजर होगा ये हाईवे। चीन की हर एक गतिविधि पर इस हाईवे के जरिए नजर रखी जाएगी। तो भारत की एक और बड़ी कामयाबी, भारत ने एक और भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक और बड़ी मिसाल, या कहें भारत के इंजीनियर्स की एक और काबिलियत का बड़ा यहां पे उदाहरण आप देख सकते हैं, जहां 40,000 करोड़ की लागत से एक बड़ा अरुणाचल का फ्रंटियर हाईवे बनाया गया है, जो चीन को जवाब देने के लिए बहुत अहम है। देश की सुरक्षा का सवाल है और भारत की यह तैयारी गेम चेंजर साबित होने वाली है। आइए आपको फ्रंटियर हाईवे से जुड़ी हर एक डिटेल दिखाते हैं। फ्रंटियर हाईवे गेम चेंजर एट LAC, जी हाँ, वो LAC जहां पर भारत और चीन की सेनाएं लंबे वक्त से एक दूसरे के आमने सामने हैं और तनाव पूरी तरह से अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्या खूबियां हैं इस फ्रंटियर हाईवे की, कैसे गेम चेंजर साबित होगा? लंबाई है इसकी 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर मैकमोहन लाइन से होकर गुजरेगा ये, और ये बहुत अहम है। कुल लागत 40,000 करोड़ की है इस हाईवे की। म्यांमार तक जाएगा ये हाईवे और ये हाईवे पूरे अरुणाचल को कनेक्ट करेगा, पूरे अरुणाचल को, जिस पर चीन की या कहें ड्रैगन की वहां पर गिद्ध नजर रहती है। अरुणाचल के लिए लाइफ लाइन कहा जा रहा है ये। NHAI और BRO पर निर्माण की जिम्मेदारी है। दुश्मन की शामत कैसे आएगी जरा ये भी समझिए। सीमा तक सैन्य मूवमेंट में काफी आसानी होगी। चीन के किसी भी निर्माण पर इससे नजर रखी जाएगी, बहुत अहम है ये। म्यांमार की सीमा भी सुरक्षित होगी, यानी भारत अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों की भी सुरक्षा यहां पर इंश्योर कर रहा है। सरहदी इलाकों से पलायन रुकेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी बहुत अहम है। अब एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है, वो भी देखिए। सरहद पर चीन की किसी भी हिमाकत से निपटने के लिए भारत बिल्कुल तैयार है।